देखिए कि मेजर जियोम जो कमांड होती है उससे आर इसी में कोई रेक्टेंगल बनाता हूँ ये इस तरीके से रैंडमली। अब इसका मतलब मेजरमेंट हाथवार की देखना है, तो एम की ए होता है मेजर, मेजरमेंट सब होती है। सॉरी साथ बताता है कैसे जाना था, कर्सर को इधर उधर करेंगे हाँ तो तभी दिखाएगा, नहीं तो नहीं दिखाएगा, शो करेगा। और कोई दूसरा एंगल वगैरह नहीं दिखाए। हाँ रेडियस वगैरह सब बताता है। हाँ वही यहाँ 90 डिग्री का दिखा रहा है ना, तो अगर लाइन स्लांट हो वो तो बता बता देगा वो। एमई मेजर जियो मतलब पूरी ज्योमेट्री बताएगा, पूरी ज्योमेट्री बता देगा, हाँ लेंस हाइट और सब बता एंगल। दूंगा ठीक है। और इसको डिलीट कर दूं और यार कंट्रोल जेड से ला सकता हूँ, एक होता ऑफ कमांड अच्छा वापस आ जाएगा। अंडू के लिए यूज होगा है ना। लाते हैं एक ही ऑब्जेक्ट आएगा, ज्यादा नहीं आएंगे। अब तो आज जो मिलेगा वो वापस ला सकते हैं। इसको बस एक होता है वाइप आउट। वाइप आउट क्या करता है कि अगर कोई ड्राइंग होती है उसको छुपाना होता है स्क्रीन से। वैसे छुपाने के लिए तो हम हाइड अनहाइड ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, बट एक वाइप आउट कमांड भी होती है। जैसे कि मेरे को सिर्फ ये एरिया दिखाना है प्रिंट वाले से, बाकी वाला ऑब्जेक्ट हटा देना ठीक है। तो इसके लिए कमांड लगाएंगे वाइप आउट। वाइप आउट में डिफॉल्ट भी जो चलता है वो पॉलीगन सेट चल। हो गया एंटर, ये हाइड हो गई। ग्रेड्स भी नहीं हो गए। कुछ भी नहीं। और ये फ्रेम भी हटानी है तो वापस कमांड लगाओ, फ्रेम में जाओ, फ्रेम में आप डिस्प्ले ऑफ करो, हो गई। और F7 से ग्रिड बंद कर दो, पता नहीं चले कहाँ पे ड्रिंग दिख गई, कोई नहीं दिख गई। हाँ जी हाँ जी प्रिंट के लिए सर बाय हाँ हाइड कर दी, मैं क्लास ले रही हूँ, पूरी आउट। हो जाओ। मैं 4 बजे आऊँ, 4 बजे 4 बजे होगी, 4 5 3 होगी। हाँ बराबर वही बटू ये डब जाए।